यूपी सरकार के प्रयासों को जारी रखते हुए गुरुवार को चल रही बैक टू विलेज फेज 3 प्रोग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हिस्से के रूप में उत्तरदायी और जवाबदेही शासन के साथ आज जनता तक पहुंचना है। राजौरी जिले के ब्लॉक बुढ़ल के पेरी क्षेत्र का दौरा किया। इस अवसर पर उपराज्यपाल के राजौरी में 12.3 करोड़ रुपए के बहुउद्देश्य स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की खेल क्षमता को स्वीकार किया, इसलिए खेल के बुनियादी ढांचे के उन्नयन और क्षेत्र के उभरते प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत 200 करोड़ रुपए मंजूर किए। इसी प्रकार खेलो इंडिया पहले यहां भी गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महान उत्प्रेरक रही है। कैमरामैन राजन कपूर के साथ सुशील दत्ता की रिपोर्ट। क्या उम्मीद रखते हैं आज एलजी साहब यहाँ पे आ रहे हैं, मैं क्या क्या काम है जो आपने सोचा हुआ है, जो उनको काम बताएंगे आप? जी, मैं कैप्टन बलदेव सिंह दारसाकरी का रहने वाला हूँ। हमें सबसे पहले बड़ी खुशी यह है कि हमारे इलाके में हमारी यूटी के श्री मनोज सिन्हा जी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आए हैं, इससे पहले यूटी बनने के पहले अभी गरीब से गरीब लोग किसी ने इनके शक्ल भी नहीं देखी थी, जो आमने सामने बैठकर हमारे नीचे स्थान पर बैठकर हमारे साथ बातचीत और गरीब लोगों की आवाज़ सुनेंगे। हमारा इधर का सबसे बड़ा जो पॉइंट है, हमारा बहुत बड़ा नाला है जहाँ के साथ फीडिंग स्कूल है, उसमें हमें डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है। हमारी बच्चियाँ बेटियाँ जो इधर से राजौरी तकरीबन कम से कम 25-30 किलोमीटर है, हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि हमारा जो एक कॉलेज इस एरिया में दिया जाए, तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे और उनका धन्यवाद होंगे। अगर हम रोडों की बात करें, यहाँ की हालात की बात करें, किसको कसूरवार ठहराएंगे आप? सर, एक्चुअली रोड की बात, पहले तो इधर ये बरसात का इलाका है, बरसात में इतना रोड ख़राब हुआ है कि जिसको मेंटेन करने के जितना पैसा रिलीज होता है, उतने में पैसे रिलीज में रोड मेंटेन भी नहीं होती। दूसरा, अगर मेंटेन करते भी हैं जो ठेकेदारी लेवल पे है, उनको लोअर लेवल तक कोई भी देखता नहीं है, तो आम दुनिया जो इसमें फेस करना पड़ती है, उनको प्रॉब्लम होती है। सर, आपने यहाँ का दौरा किया, अगर बैक टू विलेज की फेज 3 की बात करें, सर हम हर पंचायत में गए हैं, जो लोगों का कहना है कि काम नहीं हुए, 1 और 2 फेज के काम बिल्कुल नहीं हुए, सर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ी समझ का अंतर है। बैक टू विलेज में कॉलेज बनाना, अस्पताल बनाना, ये बैक टू विलेज का काम नहीं है। हर पंचायत ने मनरेगा और फाइनेंस कमीशन से पैसे आ रहे हैं। यूनियन टेरिटरी ने भी पिछले बैक टू विलेज के लिए 2.5 करोड़ हर जनपद को दिया है, उसके पहले भी पैसा दिया है और इस बार भी 10 लाख रुपया दिया है। एक पंचायत नहीं है पूरे यूटी में जिसके पास न्यूनतम 50 लाख रुपये नहीं, 1.5 करोड़ तक भी है। बैक टू विलेज में उसी से काम होना है, ये सपना देखने की जरूरत नहीं है कि डिग्री कॉलेज बैक टू विलेज से बनेगा, वो हम जब यूटी का प्लान बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें बनाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कोई गफलत फैलाने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, जनता की भागीदारी हो रही है और मैं मानता हूँ जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं उनका भी हम क्रियान्वयन कर रहे हैं, किसानों के लिए योजनाएं उनका भी क्रियान्वयन कर रहे हैं, समाज कल्याण और लेबर डिपार्टमेंट की जो योजनाएं, श्रमिकों को भी पैसा देने का काम कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा। जीएमसी राजौरी की बात की जाए, अगर 40+ वेंटिलेटर जो अवेलेबल है, लेकिन ऑक्सीजन मैनिफोल्ड होने के कारण पेशेंट सफर कर रहे हैं, वेंटिलेटर प्रॉपरली चल नहीं रहे। ऑक्सीजन की अब कोई कमी नहीं है और मुझे लगता है कि जितने इंतजाम करने थे वो कर दिए गए हैं। अब जीएमसी जम्मू में कोई समस्या नहीं, अगर आंकड़े भी आप पिछले 2 दिन से देखें। सर, जीएमसी राजौरी की बात की जाए, जीएमसी का भी टेंडर हो गया है, बनने में समय लगेगा लेकिन समय सीमा के भीतर राजौरी का।